खबर की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से, जहां बीजेपी से गठबंधन होने के बाद भी निषाद पार्टी की जिलाध्यक्ष की नहीं हो रही सुनवाई। जहां एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर लगाम लगाने का दम भर रहे हैं, वहीं उन्नाव जनपद की पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करने में घुटने टेक रही है। जी हां, मामला उन्नाव जनपद के कोतवाली गंगाघाट क्षेत्र का है, जहां निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही, जबकि निषाद पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है। संजय पुत्र राम बहादुर, मोनू गौतम पुत्र चंदन लाल निवासी गजियाखेड़ा, मनोज उमेश पुत्र मैकू निवासी पीपरखेड़ा, गडरियन वाला राजेश पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम जब्बूपुरवा, इन अपराधियों पर करीब आधा दर्जन रंगदारी 376 307 जैसे आपराधिक मुकदमे गंगाघाट कोतवाली में दर्ज हैं। फिर भी उन्नाव जनपद की पुलिस इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा रही। पुलिस द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई न करने के कारण इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। ये अपराधी गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने लगे हैं, फिर भी इनके खिलाफ गंगाघाट पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब इनकी निगाह निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष राम खिलाव निषाद की जमीन पर जा टिकी और एक साल से आए दिन जिलाध्यक्ष के निर्माण को दबंग गिराकर अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। जबकि पुलिस और उप जिलाधिकारी ने उपस्थिति में राजस्व विभाग ने 26/9/2020 निशानदेही पर चुकी है, और फिर भी कई बार इन अपराधियों ने जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला भी किया, लेकिन पुलिस द्वारा उक्त अपराधियों पर कोई कार्रवाई न करने के कारण दिनांक 23/9/2021 को उक्त अपराधियों ने प्लॉट की देखरेख कर रहे जिलाध्यक्ष राम खिलाव निषाद के भाई पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश की और जिलाध्यक्ष के निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया। फिर भी अभी तक उन्नाव पुलिस उक्त अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इंडिया रिपब्लिक से क्राइम रिपोर्टर अवनीश सिंह की खास रिपोर्ट। जी, आपका क्या मामला है? हम निषाद पार्टी से उन्नाव से जिला अध्यक्ष हैं और हमारी जमीन मजरा पीपरखेड़ा गैरतमाली में है, जहां एक साल पहले उप जिलाधिकारी पुलिस मौजूदगी में भी चिन्हांकन किया गया था, तब कोई नहीं आया था। एक साल से हमको नाप के नाम परेशान किया जाता है, वहाँ हम घर बनवाते हैं, हमारी बाउंड्री गिरा दी जाती है। अभी हमको मारा गया, लेकिन पुलिस ने हमारा मुकदमा तक नहीं लिखा। हम बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा, हमारा बीजेपी से गठबंधन है, उसके बाद जब हमारी नहीं सुनी जा रही तो गरीबों की कैसे सुनवाई होगी? अभी कल का वाक्य है, कल रात 1 बजे हमारा भाई उसी प्लाट पे था और बाउंड्री हुई थी, उसी में टीक रहा था, देखभाल कर रहा था। वहाँ कुछ गुंडे जाते हैं जो गोलियाँ चलाते हैं ताबड़ तो हमारा भाई किसी तरह जान बचा के घर आते हैं और वो हमको बताते हैं, और हमारी पूरी दीवार पूरा घर गिरा दिया जाता है। उसके बाद हम थाने जाते हैं तो ये कहा जाता है इसमें गोली कांड हटा दीजिए, इसमें ये धारा हटा दीजिए, ऐसी धाराएं लिखी है जो 10 साल से कम सजा हो, यानी कि पूरी तरह से अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस काम कर रही है। हम यहाँ उन्नाव आते हैं, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होता है, ये कहा जाता है राजस्व का मामला है। अब बताइए, जब वहाँ कोई गोली चला रहा, हमारा घर गिरा रहा, तो उसमें राजस्व का मामला क्या है? जब राजस्व टीम एक बार लिखित में दे चुकी है वो जमीन हमारी है, तो वहाँ गोलियाँ चलाई जा रही, उसमें राजस्व तो मतलब कोई है नहीं। वहाँ पुलिस को मुकदमा लिखना चाहिए, अपराधियों को जेल में डालना चाहिए, लेकिन पुलिस उनको जेल भेज नहीं रही, उन पर कार्रवाई कर नहीं रही, जबकि गंगाघाट कोतवाली में उनके करीब आधा दर्जन मुकदमे अपराधियों पर दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पुलिस पता नहीं क्यों जो है उन पर कार्रवाई करने से बच रही है। हम यहाँ आज हम आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं और माननीय योगी जी से अनुरोध करना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहते हैं, अगर बीजेपी के लिए वोट मांग सकते हैं, बीजेपी को जिताने का काम कर सकते हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को अपने जिला अध्यक्षों की सुनवाई कराने का भी काम करिए। अगर सुनवाई नहीं होती तो हमें ऐसी पार्टी से रहने से क्या फ़ायदा है? अगर जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, हम अपनी जान नहीं बचा सकते, तो हम गरीबों की दूसरों की क्या सुरक्षा करेंगे? सिर्फ क्या बीजेपी के लिए हम वोट ही दिलाते रहेंगे? बताया जाता ये है कि यहाँ नौ जनपद के कुछ प्रतिनिधि हैं जो घुमाफिया बन चुके हैं। एक वकील है, बताया जाता है, जो नारायण अवस्थी के नाम से जो घुमाफिया बन चुके हैं, जो अधिकारियों पे सिर्फ अनावश्यक रूप से इतने दबाव बनाते हैं, उनके दबाव की वजह से पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। माननीय योगी जी से अनुरोध करते हैं हम कि सब भी समय है, आने वाले समय में अगर आपको सरकार बनानी है, हम लोगों से माध्यम से अगर हमारे मछुआ समुदाय से वोट लेना है, तो हमारी हाथ जोड़ से विनती है कि हमारा मुकदमा लिखा जाए, उन अपराधियों को जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बड़ा कोई कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, और हम कैसे बीजेपी को जिता पाएंगे, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से महोदय जी से भी माननीय कहते हैं कि